इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम प्रोमो कोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बट लिखा हुआ है दिस कोड एप्लीकेबल ओनली, ठीक है। यहाँ पर ये वाला शब्द देख लीजिए और लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज। तो बेसिकली ये क्या है एरर जब हम प्रोमो कोड डाल रहे हैं अपने पेटीएम का। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से एरर दिखा रहा है। तो गाइज यहाँ पर क्यों दिखा रहा है, देखिए जब मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, ठीक है, ये जो है हमारा क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, इसका बिल पेमेंट हम कर रहे हैं, इसमें इशू आ रहा है। अगर आपके पास बिल क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मे बी आपको नहीं दिखाए, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये इस तरीके से एरर दिखाता है। अब मैं यहाँ पर, मेरे पास कोड है एक, जो यहाँ पर प्रोमो कोड है, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको कहीं से भी मिल जाए वो आप पर डिपेंड करता है कि कहाँ से। अब देखिए ये कोड रहता है, यहाँ पर सिर्फ तीन कोड है और तीन कोड है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई कोड कहीं से आप निकाल लेते हैं तो वो एक अलग होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ आता है यहाँ पर, एप्लीकेबल रिचार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं यहाँ पर बिल पर जाकर करता हूँ, जैसे रिचार्ज पर जाते, क्योंकि बिल तो अभी अपडेट नहीं हो रहे हैं, और मैं रिचार्ज पर जाता हूँ। रिचार्ज पर जाने के बाद यहाँ पर हम एक कोई ऑफर सिलेक्ट कर लेते हैं रिचार्ज का, एंड अप्लाई प्रोमो कोड पर जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं वही वाला, ठीक है, कोड, ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो क्या डिफरेंट है, देखिए आपको सबसे पहले, देखिए यहाँ पर प्रोमो कोड में एक और डालकर आपको दिखाता हूँ जो भी यहाँ पर कोड है, और इसको अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ वैलिड एंटर वैलिड वगैरह का इशू दिखाता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जब भी आपके समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर प्रोमो कोड आप डाल रहे हैं तो जहाँ का प्रोमो कोड है वहीं डालें तो बेहतर है। अब जैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड पर हम डाल रहे हैं तो वो क्रेडिट कार्ड का तो है नहीं, इसलिए हमें क्रेडिट कार्ड पर ही डालना पड़ेगा या अदर कहीं पर भी डालना पड़ेगा, तब ये चलेगा, अदरवाइज ये चलेगा नहीं। तो ये इशू रहता है बस इसका। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।